आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। इसमें है आपका एक आलू, बैंगन, क्वास, झींगा और सोयाबीन, दो टमाटर, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, दो बड़ी प्याज और जितने भी मसाले होते हैं, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस तरह से सोयाबीन को अच्छी तरह से धो ली थी। धोने के बाद में उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया। करने के बाद में निकाल ली। निकालने के बाद उसी तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा और सूखा मिर्च का फ़ोरन डाल दी हूँ। डालने के बाद में प्याज को ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करके आलू और क्वास को पहले मैंने फ्राई किया, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़ा होता है ना, और बैंगन तो जल्दी पक जाता है, बैंगन और झींगा। तो उसके बाद में मैंने ऊपर से झींगा और बैंगन को डाल के अच्छी तरह से उसको भी फ्राई कर ली, और जो सोयाबीन था फ्राई किया हुआ उसको भी डाल के मैंने उसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया। पकाने के बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जितने भी सूखे मसाले थे मसाले डाल के उसको थोड़ा थोड़ा पानी दे के अच्छी तरह से पका ली। पकाने के बाद में देखिए मेरा मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी तैयार। दाल के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है आप खा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।